जिंक इलेक्ट्रोड और एक है कॉपर इलेक्ट्रोड। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, जिंक इलेक्ट्रोड, इसका जेड एन एम एन सॉरी एम ऑब्लिक एम एन प्लस, जेड ही लिख दिया, जेड एन टू प्लस जेड एन। तो ये जो पोटेंशियल है ना, ध्यान रखना, ये जो सिंबल है ये किसका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। ओके ओके दिख जाएगा मैं। ओके तो ये जो मैंने सिंबल बताया ना बेटा, ये सिंबल जो है, ये सिंबल है आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये जो दूसरा सिंबल मैं बना रहा हूं, दैट इज ई सी यू टू प्लस सी यू। नहीं बेटा, मैं यहां पर जो लिख रहा हूं फिलहाल, वो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक सेकेंड, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया, ठीक है। इसको जेड एन टू प्लस ले लें और इसको सी यू टू प्लस ले लें। तो यहां मैंने जो लिखा ना बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं। तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में देखें आप, तो जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, सीयू सीयू टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो एक चीज ध्यान रखना, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, जिंक का, ये होता है हमारे पास में दैट इज प्लस में 0.76 वोल्ट, और कॉपर के लिए जो वैल्यू होती है दैट इज 0. माइनस में 0.34 वोल्ट। ये जो है ध्यान रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास में जिंक का हाई है और कॉपर का कम है, ठीक है। देखो ये बात समझ में आई ना बेटा, जो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होता है। और हमने क्या बोला, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एक्चुअली दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो अब अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करता हूं, अब अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड को कंपेयर करता हूं, एक तो ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास जिंक वाला और एक ये कॉपर वाला है। तो अभी जैसा मैंने कहा कि जिंक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, तो इसी वजह से जब इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, तो देखो कॉपर के लिए मैं इस तरह से लिखूंगा सीयू टू प्लस सीयू, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, और ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है जेड एन टू प्लस जेड एन। तो ध्यान रखिए कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये हाई होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है कॉपर की, ये होती है आपके पास में प्लस में 0.34 वोल्ट, और जिंक के लिए वैल्यू होती है माइनस में 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का हाई है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कॉपर में ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जिंक में ज्यादा है। और जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने पर जिंक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए जो जिंक इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली ये जिंक सॉलिड फॉर्म में है आपके पास, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ये सॉलिड है, और जब इस पर ऑक्सीडेशन, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, इट विल चेंज इनटू Zn2+ आफ्टर रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में ये Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये जो Zn2+ में कन्वर्ट हुआ है, ये Zn2+ एक्वस फॉर्म हमेशा सॉल्यूशन में ही मिलेगी आपको, तो ये Zn2+ बेटा सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और जो ये दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं, दीज टू इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कॉपर में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है इसका, जैसा हमने ऊपर बताया पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इस कॉपर इलेक्ट्रॉन की तरफ आएंगे। अब यहाँ सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, देखो सॉल्यूशन में हमारे पास है सीयू टू प्लस आयन और एसओ फोर टू माइनस आयन। अब कॉन्स्टेंटली, क्योंकि ये सीयू टू प्लस आयन इसके कॉन्टेक्ट में तो आ ही रहे, इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्ट में आ रहे, तो होगा क्या यहाँ पर, यहाँ ये सीयू टू प्लस आयन्स विच आर इन एक्वस फॉर्म गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन, दे विल चेंज इनटू सीयू सॉलिड, ये सीयू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सीयू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ये सीयू सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, कॉपर में कन्वर्ट होंगे, तो ये यहाँ पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय एंड बाय धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो इट विल गेट थिक, ये तो मोटा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें से जिंक निकल करके सॉल्यूशन में आ रहा है, तो बाय एंड बाय दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट थिन, ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा, क्योंकि इसका जो
जिंक है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में इसमें डिजोल्व होता जा रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है यहां पर वो ये आती है कि जो हमने यहां पर जिंक कॉपर लिया है ठीक है, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा आगे भाई, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे हैं यहां पर, हम देख रहे हैं कि आपके पास जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया है ठीक है, और करंट का फ्लो जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन कॉपर टू जिंक ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता रहा हूं यहां पर, जैसा जो मैंने कल बताया था आपको, फोन भी ध्यान रखिए आप, एफ सॉरी फोन नहीं, आप ध्यान रखें लोन, एल ओ ए एन ठीक है, लोन एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ए स्टैंड्स फॉर एनोड एंड एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो यहां कहने का मतलब जो लेफ्ट साइड में आपने इलेक्ट्रोड बनाया है ठीक है, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पर, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन हाफ भी कह रहे हैं, और ये एनोड की तरह वर्क करेगा, और एनोड इसमें कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा एनोड नेगेटिव की तरह काम करेगा इसमें। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं राइट हैंड साइड को, तो इसका अपोजिट कर ले हम, तो राइट साइड वाले में रिडक्शन होगा और उसको आप कैथोड बोलेंगे, और वो पॉजिटिव होगा, ये कैथोड का काम करेगा, दिस इज कैथोड ठीक है राइट साइड, और लेफ्ट साइड जो है इट विल वर्क एज एनोड, ये एनोड का वर्क करेगा ठीक है। तो ये हमारे पास में फंक्शन हो गया है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इस पूरे सेल में अगर आपको कहा जाए कि इस सेल का आप सेल पोटेंशियल फाइंड करें, कि सेल का सेल पोटेंशियल कितना होगा, ये वोल्ट मीटर में जो है ना रीडिंग कितनी आएगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझे। देखिए एक काम करते हैं, इसको रफ करते हैं साइड वाले को, इसको रफ कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, देखिए अगर मुझे यहां पर इस सेल में इस वोल्ट मीटर की वोल्टेज मुझे फाइंड करनी है, सेल का वोल्टेज यहां पर वोल्ट मीटर में कितना होता है, तो एक्चुअली इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई एनोड सॉरी ई कैथोड माइनस ई एनोड ठीक है। अब एक चीज और बता रहा हूं मैं जो ध्यान से समझने वाली है, एक्चुअली इन सेल्स का जो हम सेल पोटेंशियल फाइंड करते हैं कि सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है, कितने वोल्टेज का करंट इसके अंदर फ्लो होगा, तो वो हम स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर मेजर करते हैं मोस्टली। स्टैंडर्ड कंडीशन से मेरा मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन से मेरा मतलब होता है कि कंसंट्रेशन जो है वो 1 mm होनी चाहिए, 1 mole per liter, टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए। तो इन कंडीशन में जब हम सेल का पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो उसे हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं, ध्यान रखना। तो स्टैंडर्ड के लिए हम कैसे पहचाने कि स्टैंडर्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर एक नॉट लगा देते हैं ऊपर, तो यहां नॉट का मतलब है ये स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड कैथोड का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, और ये एनोड का पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन में ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा ये ध्यान रखनी है, अगर इस कंडीशन में आप किसी सेल का या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखते हैं तो उसे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे अभी हमने देखा कैथोड, तो कैथोड की फॉर्म में हमने किसको यूज में लिया है, यहां पर कॉपर को यूज में लिया है ठीक है। तो कॉपर जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा Cu2+Cu - E₀ Zn2+Zn। अब एक और बात जो मैं बता रहा हूं वो भी ध्यान से समझना कि यहां पर मैंने कैथोड को ही आगे और एनोड को पीछे लिखा है, और या कहें कि कॉपर को आगे और जिंक को पीछे लिखा है, इसका रीजन है एक्चुअली यहां जो हम वैल्यू लिखते हैं ना बेटा, यस कुछ पूछ रहे हैं, Cu2+Cu and Zn, नहीं मैं वही चीज समझा रहा हूँ, इसको समझना बेटा है ना, वही चीज बता रहा हूँ जो आपके माइंड में है वही चीज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें इस फॉर्मूले में जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रखते हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होती है, ध्यान रखना, हमेशा दोनों की जो वैल्यू रख रहे हो ना, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है ठीक है, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है,
और एक्चुअली में आजकल बुक में कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। जब तक अलग से आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ नहीं मिले, यानी बुक में कहीं पर भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया हुआ है, सो इट वुड कंसिडर्ड ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल माने। और हमें पता है कि हमेशा कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड से ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हम कैथोड के को आगे लिखते हैं और एनोड को पीछे रखते हैं, कैथोड में से एनोड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। मिल गया क्या बेटा आंसर? ओके, तो आगे देखते हैं। तो अब ये कंफ्यूजन क्या होता है एक्चुअली, स्टूडेंट क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, यहाँ जैसे कॉपर के लिए तो रिडक्शन पोटेंशियल लिख देते हैं, बोलते हैं कैथोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, और एनोड के लिए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो देखिए हमने ये देखी थी रिडक्शन पोटेंशियल, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल था और ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल था, तो ये वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो मैं इसे अब यहाँ लिख देता हूँ। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारे पास दैट इज 0.34, देन माइनस जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.76 वोल्ट, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे द वैल्यू विल बी 1.10 वोल्ट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.10 वोल्ट आएगी। तो इसका मतलब जब वोल्ट मीटर में आप चेक करेंगे ना रीडिंग क्या आ रही है जब आपने सेल को कनेक्ट किया है, तो यू विल फाइंड दैट द रीडिंग विल बी 1.10 वोल्ट, जो इसकी रीडिंग आएगी वो 1.10 वोल्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो 1.10 वोल्ट मैंने कहा सेल का पोटेंशियल है, एक्चुअली इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि आप देखो कैथोड की पोटेंशियल में से आपने एनोड का पोटेंशियल फाइंड कर सेपरेट किया है, तो इस वजह से जो ये सेल पोटेंशियल है, इस सेल पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेल। अगर आपसे कहा जाए कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, ठीक है, या सेल पोटेंशियल फाइंड करें, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है, सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सेल का पोटेंशियल वही आएगा जो इन दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और वो चीज हमने यहां पर फाइंड की है। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज अपन यहां देख रहे हैं, दैट इज कि एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं ईएमएफ और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूँ लेफ्ट राइट हैंड साइड को, और यहां मैं बात कर रहा हूं आपसे इसी सेल के बारे में, बट हम इस बार बात कर रहे हैं ईएमएफ के बारे में और सेल पोटेंशियल के बारे में। देखिए एक टर्म होता है ईएमएफ जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ओके, और एक टर्म होती है सेल पोटेंशियल, जो मैंने अभी कहा सेल पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसको आप अच्छा सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब एक चीज समझना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, ठीक है। देखो ईएमएफ जो होता है ना बेटा, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, फिर हम इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस फाउंड इन एनी सेल, किसी भी सेल में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप केवल उस समय फाइंड कर सकते हैं जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, या आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि सर्किट का मैक्सिमम पोटेंशियल आप उस समय मेजर करते हैं जब सर्किट में या तो मिनिमम करंट फ्लो हो रहा हो या फिर करंट का फ्लो बिल्कुल बंद हो, उस समय जो आपके पास इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, इसका भी मैक्सिमम होगा और इसका भी मैक्सिमम होगा, और जब इन दोनों को आप सेपरेट करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट वुड बी मैक्सिमम, वो सबसे ज्यादा होगी, और उसी को हम ईएमएफ बोलेंगे। फिर टाइम के साथ साथ जब आप इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे जो वोल्ट मीटर है वो भी तो थोड़ा बहुत करंट लेता ही है, तो उसकी वैल्यू जो आएगी ना आपके पास दैट विल बी लेस देन ईएमएफ, वो ईएमएफ से थोड़ी कम आएगी, तो उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस तो कह सकते हो जब करंट फ्लो हो रहा है, जब सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है उस समय आप उसे पोटेंशियल डिफरेंस तो कह सकते हैं, बट यू कांट से ईएमएफ, आप उसको ईएमएफ नहीं कह सकते। तो ध्यान रखें
ईएमएफ केवल तब कहा जाएगा जब सेल में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, इससे मोस्टली ग्रेटर देन ही होता है। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई आपको, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है? नहीं आई तो दूसरे तरीके से समझेंगे। इज इट क्लियर? ओके, गिव मी द रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर टू ऑल? एम आई ऑडिबल? बस यही डिफरेंस है बेटा, बस। और करंट फ्लो नहीं होता तो इस वजह से वोल्टेज, इसमें वोल्ट मीटर में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कंजेप्शन नहीं होता करंट का। ठीक है, और एक बचा और पूछ रहा था बेटा कुछ? यस, समझ गए, चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है बेटा, ये जो हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है, इस सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? तो हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है। ठीक है, अब समझना। देखिए, अगर हमको किसी चीज का इंपोर्टेंस जानना है तो उसका इंपोर्टेंस हमें उस समय पता चलता है जब उसकी एब्सेंस होती है। ठीक है, तो हम ऐसा मान के चले कि अभी इसमें सपोज सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो होगा कि जब ये इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो जिंक जो है दैट विल कम इनटू द सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ जेड एन टू प्लस, धीरे धीरे उसमें जेड एन टू प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होते जाएंगे, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जेड एन टू प्लस की कंसेंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, किसकी, कॉपर सल्फेट के बारे में, जहां वो एक्चुअली कोई कॉल आ गया था बेटा, अब ठीक है, हाँ दोबारा सुन ले। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो जिंक है बेटा आपका जेड एन टू प्लस आयन, ये जेड एन टू प्लस आयन क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन से इस सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं तो धीरे धीरे सॉल्यूशन में जेड एन टू प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जेड एन टू प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ कॉपर सल्फेट है और जैसा हमने कहा कि ये सी यू टू प्लस आयन जो है वो डिपोजिट होते जा रहे हैं कहाँ, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जब इस पे डिपोजिट हो रहे हैं तो सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, केवल हमारे पास SO4 2 माइनस, यानी सॉल्यूशन में SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इस सॉल्यूशन में Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, Zn2+ पॉजिटिव आयन है, SO4 2 माइनस नेगेटिव आयन है। अब ध्यान देना मेरी बात पर गौर से, ये पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आयन पॉजिटिव सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियसली, तो जब ये अट्रैक्ट होंगे तो पॉजिटिव आयन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इसके चारों तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस, तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, तो जितना इस पर नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव आयन जो इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट हुए हैं उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है और कंसेंट्रेशन या नेगेटिव आयंस की इंक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव आयंस जो है वो धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे स्टार्ट होंगे तो वैसे वैसे यहाँ पर इसको न्यूट्रल करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं मान रहा हूं कि इस पॉजिटिव आयन ने इसको न्यूट्रल कर दिया, इसने इसको न्यूट्रल कर दिया, तो दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो टाइम के साथ साथ जीरो हो गया, और जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हो गया, एक्चुअली यहाँ हम क्या रीड करते थे, पोटेंशियल का डिफरेंस, और जब पोटेंशियल ही दोनों का न्यूट्रल हो गया है तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो जीरो आएगा, तो धीरे धीरे इस पर धीरे धीरे ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो उस समय करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब हमें महसूस होती है किसकी जरूरत, कोई ऐसा अपने पास इंस्ट्रूमेंट हो जो इस प्रोसेस को रोक दे, यानी जो ये अपोजिट चार्ज आयंस इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट हो रहे हैं उनको रोक दे। इसके लिए हमने यहाँ बीच में क्या लगाया है, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, यू शेप्ड इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लगाई है जिसमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl KNO3 इनको फिल किया है, हमने इनके दोनों एंड पर हमने क्या लगाया है, या तो ग्लास फाइबर या फिर वूल को फिट कर देते हैं या कॉटन वूल लगा देते हैं,
जिसे इनको प्लग कर दिया जाता है ताकि जो इसका सब्सटेंस है वो डायरेक्टली नीचे नहीं आए। अब ये काम क्या करता है समझना है यहाँ। अभी जैसा मैंने कहा कि टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, तो जब हम इस सॉल्ट ब्रिज को यहाँ लगाते हैं तो सॉल्ट ब्रिज में KCl है, सपोज एक मैं यहाँ ले लेता हूँ आयन, सपोज यहाँ पर KCl है, के प्लस सीएल माइनस, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो ये जो नेगेटिव अपोजिट चार्ज आयन है इसमें सीएल माइनस अपोजिट है, तो सीएल माइनस आयन यहां से इसमें से निकल करके और सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे। और क्योंकि ये नेगेटिव आयन्स आ रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आयन्स आ रहे हैं तो ये ठीक है, अब ठीक है बेटा आ रहा है ना वीडियो, क्योंकि ये नेगेटिव आयन्स आ रहे हैं तो ये नेगेटिव आयन्स क्या करेंगे, ओके ये नेगेटिव आयन्स क्या करेंगे आपको बेटा बीच में एक्चुअली क्या होता है कॉल आ जाता है ना तो वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। अब एक सेकेंड, अब आ जाएगी, वैसे अब आ रही है बेटा, ओके यस। देखिए तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ओके कि ये जो Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, जब यहां अपोजिट नेगेटिव आयन्स आएंगे तो ये नेगेटिव आयन्स इन पॉजिटिव Zn2+ को न्यूट्रल करने लग जाएंगे, तो ये जो Zn2+ है वो सॉल्यूशन में न्यूट्रल होने लग गया, तो जब ये यहां न्यूट्रल होने लग गया तो यहां डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। और यहां जब डिपॉजिट नहीं होगा तो नेचुरल है कि हमारे पास में ये इलेक्ट्रोड है इसका चार्ज जीरो नहीं होगा। सिमिलरली यहां पर जो दूसरा अपोजिट चार्ज है नेगेटिव चार्ज तो यहां आ रहा है, तो इसका जो पॉजिटिव आयंस है के प्लस आयंस, वो के प्लस आयंस कहां आएंगे, इस सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो गए, तो ये पॉजिटिव आयंस इस नेगेटिव आयंस को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो ये नेगेटिव आयंस यहां पर डिपॉजिट नहीं होंगे। और जब ये यहां डिपॉजिट नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहां डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन में ही न्यूट्रल हो जाएंगे और इसका चार्ज एज इट इज बना रहेगा। तो इससे मैंने दो कॉन्क्लूजन निकाले। पहला कॉन्क्लूजन मैंने ये निकाला, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं कि ये क्या कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, इट प्रिवेंट अपोजिट चार्ज आयंस टू डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड्स, डिपॉजिट कर दें या एक्यूमुलेट कर दें, यानी ये क्या कर रहा है कि जो अपोजिट चार्ज आयंस है उनको इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने से या एक्यूमुलेट होने से रोक रहा है, ठीक है। दूसरा फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है, इसको हम यू भी कह सकते हैं कि ये इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है, इसको न्यूट्रल बना करके रखा है, तो इसको यू भी कहा जा सकता है, इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और नंबर थ्री, एक पॉइंट और अपन बोल सकते हैं इस चीज को समझना, देखिए आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यानी आउटर सर्किट इज कंप्लीटेड बाय कंडक्टिंग वायर, बट इनर सर्किट की अगर मैं बात करता हूं तो इनर सर्किट को ये सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं सॉल्ट ब्रिज हटा दूं तो ये सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा बीच में से, तो सर्किट ऐसे ही कंप्लीट हो रहा है। आप देखो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है, यहां से आयंस का भी ट्रांसफर हो रहा है बाहर वाले सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, अंदर वाले सर्किट में आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना बेटा ये फंक्शन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज के कोई दो फंक्शंस लिखें, तो आप इजीली दो फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, जो अभी डायग्राम बना हुआ है अपने पास, ठीक है, आगे चले। हाँ बोलो बेटा, बिल्कुल खत्म होगी ना, ये तो मैं कह ही रहा हूं कि टाइम के रेस्पेक्ट में Zn2+ इसमें सॉल्यूशन इसमें डिसॉल्व होता जा रहा है, तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड जो है ना, इट विल गेट थिन एंड दिस इलेक्ट्रोड विल गेट थिक, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोड का साइज भी चेंज होता जाएगा एंड इलेक्ट्रोड्स आर रिप्लेस्ड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर कुछ समय बाद में इसको रिप्लेस करना पड़ता ही है, क्योंकि ये सिचुएशन आती है, ये भी एक मतलब टाइम तक ही उसको कंट्रोल करता है, बाकी सॉल्यूशन में तो आ ही रहे हैं, तो इसमें से जिंक निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, तो इसमें तो जिंक कम होता ही जाएगा इलेक्ट्रोड के अंदर,
वो बात दूसरी है कि वो यहाँ डिपॉजिट नहीं हो रहा है यहाँ पर इसके ऊपर वापस आयंस की फॉर्म में एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ओके। चलिए अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ बोलिए बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो। वापस बोले बेटा एक बार, आवाज आपकी ना इको कर रही है, रिपीट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, नहीं क्या कह रहे मैं समझा। देखो मैं एक बार शायद मेरे को थोड़ा आइडिया लगा है, आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। एक किसी दूसरे बच्चे को सुनाई दिया हो बेटा वो बता देना, क्योंकि आवाज वहां से थोड़ा इको कर रही है उस बच्चे की। हाँ बिल्कुल, ये तो जैसे एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आ रहा है तो नेचुरल है इसके अंदर केसीएल की कंसंट्रेशन तो कम होती जा रही है, तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, इसको मतलब सॉल्ट ब्रिज को निकाल करके इसको दोबारा फिल करना पड़ता है, ठीक है ओके। चलिए अब इसके बाद में, हाँ अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है इसका वो होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। मैंने जो ये सेल बना दिया है इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका एक तरीका होता है, इसको हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, इस सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक तरीके से। देखिए तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक तो बीच में दो लाइंस बनाते हैं इस तरह से, दो बार बनाते हैं जो सॉल्ट ब्रिज को एक्सप्रेस करती हैं, सॉल्ट ब्रिज को बताती हैं। इसके अलावा फिर दो हम साइड में और लाइंस बनाएंगे जिसके दोनों एंड पॉइंट पे दोनों तरफ जो है वो आप इलेक्ट्रोड को शो करते हैं, इस तरफ आप एनोड को और इस तरफ कैथोड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैं एनोड बना रहा हूं, जैसे मैं पर्टिकुलर अगर जिंक की ही बात करता हूँ, यहाँ हमने जिंक को एनोड की फॉर्म में लिया है, तो जिंक का जो सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रोड है उसको आप यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली कॉपर के लिए आपने देखो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपने कॉपर लिया है, तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है सॉलिड फॉर्म में इसको लिखा है, इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स है यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रोड्स लिखने हैं, और बीच में जो ये स्पेस बचा है यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन और यहाँ कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, मतलब एनोड के जो जिसमें डिप है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ लिखनी है, और कैथोड जिसमें डिप किया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ लिखनी है। तो जिंक को हमने डिप किया किसमें, जिंक आयन में Zn2+ एक्वस में डिप कर रखा है अपने इसको, और यहाँ पर Cu2+ आयन को डिप किया हुआ है अपन ने इसमें, ठीक है। तो ये अब इस तरह से हो गया कि ये जो डबल बार मैंने बनाए हैं ये तो शो कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज को, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एनोड को एक्सप्रेस करता है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कैथोड को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो यानी एनोड को आपको लिखना है लेफ्ट साइड में, कैथोड को आपको लिखना है राइट साइड के अंदर, ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं इसका सॉल्ट सॉरी इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। अब ये मैंने तो क्या इस पर्टिकुलर इस सेल के लिए बताया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जिंक कॉपर सेल दिया जाए, आपको कोई दूसरा सेल भी दे सकते हैं। तो आप इसको एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि जैसे जो भी मेटल है आपके पास एनोड का, उस मेटल को सॉलिड फॉर्म में लिखो आप, उसके बाद एक बार लगाएं, बार के बाद इस मेटल को जिस आयन में आपने डिसॉल्व किया हुआ है आयनिक सॉल्यूशन में, उसके आयन की कंसंट्रेशन को आप लिखो एक्वस फॉर्म में यहाँ पर। हाँ अगर कहीं कंसंट्रेशन गिवन है तो कंसंट्रेशन को भी आप यहाँ ब्रैकेट में इसके आगे लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई कंसंट्रेशन गिवन है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ, देन फिर डबल एरो लगा दें आप सॉल्ट ब्रिज के लिए, और डबल एरो के बाद अगेन जो आपके पास कैथोड का आयन है Mn+ एक्वस फॉर्म में उसे लिखेंगे विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ में, और उसके बाद लास्ट के अंदर आप यहाँ पर वो मेटल लिख देंगे सॉलिड फॉर्म में जो है आपके पास। तो ये वाला पूरा पार्ट एनोड हो जाएगा और ये वाला पूरा पार्ट जो है आपके पास कैथोड हो जाएगा, और बीच में जो तो आपने दो बार लगाए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सॉल्ट ब्रिज को। यस क्या कह रहे हैं बोलो बेटा, सेम बेटा इसे लिखे, ये मैंने रिप्रेजेंटेटिव लिखा है ना, तो यहां पर ये एम और एम लिखा है, तो एम कोई भी मेटल हो सकता है, बस आपको ध्यान में रखना कि है नहीं एम मेटल है बेटा, हाँ मेटल है, मोस्टली इलेक्ट्रोड्स के लिए यूज में ले रहे हैं अपन। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसको और बेटर समझ में आ जाएगा आपको ना, लेट्स सी एन एग्जांपल, जैसे यहाँ ले लेते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, एक एग्जांपल लेते हैं।
सपोज आपको एक रिएक्शन दी गई है सेल रिएक्शन, क्वेश्चन ऐसे आता भी है कि वन मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसको, कि आपको एक सेल रिएक्शन दे दी गई है और आपको पूछा गया कि उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें। तो सपोज सेल रिएक्शन इस तरह से आपके पास Cu सॉलिड एंड गिव्स रिएक्ट विद Ag प्लस 2 लगा देते हैं और इसकी एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.01 m, ठीक है। और फिर उसके बाद एरो, एरो के बाद प्रोडक्ट में नीचे लिख रहा हूं, ये कन्वर्ट हो गया है Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में और साथ में 2Ag सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यह मिल जाएगा हमें, ये रिएक्शन हमारे पास यू है Cu सॉलिड प्लस 2Ag, कंसंट्रेशन इज आल्सो गिवन 0.01 m गिव्स Cu2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन 0.01 m एंड प्लस 2Ag, ओके सॉलिड फॉर्म में ये हमें रिएक्शन दी गई है। तो देखो जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये चेक करना है इसमें कि विच सब्सटेंस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड विच वन अंडरगोइंग रिडक्शन। तो अगर मैं इसको देखता हूं कॉपर को यहां पर, तो आप देख के बता सकते हैं कॉपर का रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अभी आपने पढ़ा था कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं हम। तो इसका मतलब हमारे पास जो एनोड की फॉर्म में होगा वो कौन बनेगा, कॉपर। कॉपर एनोड का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी साइड अगर हम देखते हैं यहाँ पर Ag को, तो Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और हमने पढ़ा था रिडक्शन जिसका होता है उसको कैथोड मानते हैं, उसके सॉलिड जो इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड मानते हैं। तो इसका मतलब इसका ये कैथोड बन जाएगा, ठीक है, ये कैथोड हो गया। अब हमें करना है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम ये जानते हैं बीच में हम बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज, और इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में मैं एनोड को बनाऊंगा और इसके राइट हैंड साइड को मैं कैथोड को बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें भी मैंने कहा यहां पर इस तरह से बार बनाऊंगा मैं, जो सबसे बाहर बाहर की तरफ इलेक्ट्रोड लिखूंगा। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारे पास, Ag, ठीक है। तो Ag हम यहां कैथोड की तरह काम में ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, ओके। और एनोड की तरह हम यहां क्या काम में ले रहे हैं, एनोड की तरह हमारे पास आ रहा है कॉपर सॉलिड फॉर्म में इन सॉलिड स्टेट। इसके बाद में हम बात करें आयंस की, तो इस बाहर बाहर तो आप इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं और अंदर की तरफ आप उनके आयंस लिखते हैं। तो Cu किस आयन में है, Cu2+ में, तो यहां पर आप लिखेंगे Cu2+ आयन एक्वस फॉर्म में। और अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो वो भी लिखते हैं, कंसंट्रेशन दिख रही है हमें दे रखी है इसकी, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो 0.01 m कंसंट्रेशन, ठीक है। सिमिलरली यहां Ag का देखें हम, तो Ag का आपके पास क्या है, Ag प्लस आयन है और Ag प्लस आयन की जो एक्वस फॉर्म में है इसकी जो कंसंट्रेशन है आपके पास दैट इज 0.01, तो वो कंसंट्रेशन लिखते हैं 0.01 m, ये इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास में आ गया है ये है सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सेल को शो कर रहा है। क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे बेटा जिसके अंदर आपको रिएक्शन नहीं लिखी हुई मिलेगी, आपको इस तरह का सेल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और आपको कहा जाएगा कि इससे इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा मिलेगा वो एनोड होगा हमेशा, राइट हैंड साइड में जो लिखा मिलेगा वो कैथोड होगा, और उनकी कंसंट्रेशन जो है वो आयन की यहाँ बीच में आपको लिखी हुई मिलेगी, आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया बेटा, यस सर नो सर, यस सर और नो सर, नहीं है, ओके ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक स्टेप और देखते हैं। बोलो बेटा, यस क्या कह रहे, बोलो बोलो बेटा, ओके चलिए कंटिन्यू कर रहा हूं फिर मैं। हाँ बिल्कुल, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा, बट आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, जब न्यूमेरिकल दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होती है। चलो एक और मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको एक चीज और समझ लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, यहाँ भी थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इस चीज को भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखिए आपको ध्यान होगा मैंने जो वैल्यू लिखी थी, जैसे एक वैल्यू लिख रहा हूं मैं Cu2+Cu, ठीक है, इसको देख करके बताएं ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसको शो कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल की जो स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है ना बेटा, ध्यान रखना वो होती है प्लस में 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब गौर करना मेरी बात पर, अब यहां मैं आगे लिख रहा हूं ई नॉट सी यू देन सी यू टू प्लस, और ये मैं वैल्यू लिख रहा हूं माइनस 0.34 वोल्ट। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना, वही वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी होती है, बस जो डिफरेंस होता है ना वो किसका होता है बेटा, साइन का डिफरेंस होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आप उससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल बता सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं जिंक को लेता हूं तो आपको ध्यान होगा जिंक के लिए मैंने लिखा था Zn2+Zn, ठीक है, और इसकी वैल्यू लिखी थी मैंने -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है इसके रिडक्शन पोटेंशियल की लिखी है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नेगेटिव है, बट जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होगी इसकी Zn Zn2+, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। यानी जितनी कम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है न्यूमेरिक वैल्यू, बस जो डिफरेंस होता है वो केवल साइन का डिफरेंस होता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में रख लेनी है। और एक और अब इम्पोर्टेंट बात, ये अब मैं अलग अलग बोल रहा हूँ इसको, किसको मैं, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन जो मैंने टर्म कही थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस चीज को मत भूलना कभी भी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारी बुक्स में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही बोला जाएगा। हमारी बुक में जहां जहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, वैसे तो हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, लेकिन हमारी बुक में जहां जहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है वहां हमें मान के चलना है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, क्योंकि उसमें कई बार इस तरह से नहीं दिया जाता है और डायरेक्ट दे दिया जाता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तो आपको ध्यान रख लेना है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल है, नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप फॉर्मूला लिखते हैं ना बेटा ई सेल, अभी जो मैंने बताया था ई सेल फाइंड करने का, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और उसमें भी आप हमेशा कौन सी वैल्यू पुट करते हैं इसको देख करके आप बता सकते हैं, ये वैल्यू पुट करेंगे और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को ही आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखते हैं, न कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको अच्छी तरह से, ठीक है, ओके। बारिश आ रही है बाहर आई थिंक बहुत तेज, तो आप लोग भी, मेरे को ऐसा लग रहा है बारिश को एंजॉय करना चाह रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बारिश में जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा इतनी ले लेते हैं अपन, बाकी फिर अपन लेते हैं नेक्स्ट कल, कल इसके बारे में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और वो वर्कशीट जरूर, वर्कशीट क्या, वो टेस्ट सॉल्व करके जरूर कल इस टाइम तक आप सबमिट करना, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके बाय।